Hi guys, welcome back to Sweet Chilies. मैं हूँ रुधीर, कैसे हैं आप लोग? Guys, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मिरट मीम्स चैनल से वायरल इंडियन मीम्स एपिसोड 2, ट्रेंडिंग मीम्स इंडियन मीम्स. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट. सॉरी, क्वेश्चन क्या था? 3 - 8 + 1 = 3 - 8 + 1 = 9 - 3 = 6. मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में क्यों हूँ? ऐसा क्या है तुम्हारे में है जो मुझे बाकी लड़कियों में नहीं मिलेगा? खोलो. सील खोलने वाले तो पहले बंद करो. ऐसे में बड़ा सफल होता हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया. ओह वाओ, ये क्या है? ओके, शी इज अ बारटेंडर लाइक. ठीक है, हेलो भाई. तो कुछ ये क्या लिखा है? तू बच के रही हो? बहुत सही लिखा है भाई, सच्ची है. हस्बैंड का फुल फॉर्म बताऊं? किस किस को पता है कमेंट सेक्शन में बताओ. कितना पढ़ाई किया है आपने? हम ग्रेजुएट किए हैं. ग्रेजुएट किए हुए हैं और फिर यहाँ पर आज सफाई कर्मचारी हैं दिल्ली में, तो आज काम का नुकसान हुआ होगा आपका? जी, काम के नुकसान होने से ज्यादा मेरा समाज की नुकसान हो रही. मेरा आरक्षण खत्म किया जा रहा है. आरक्षण नहीं रहेगा तो हम पढ़े लिख कर क्या करेंगे? नौकरी करके क्या करेंगे? रुपया कमा कर क्या करेंगे? उल्लू पट्टे आरक्षण मिलता ही नहीं है. बोलो, कौन है तेरा बेटा? राजवीर शेखावत, IPS. इंडियन पुलिस सर्विस. ये 57. ओ माय गॉड, सज्जन सिंह यार, मुझे इतना पुराना नाम याद है. लास्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर हो गया. रिसीविंग सैलरी विल आई गिव. यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल ऐसा ही होता है. ग्रो डिस्ट्रॉयड इन सेकंड. क्यों रे छोरी, इधर खाने से पहले मुझे लगेगी क्या? ना, तेरे ठुमके लगेंगे वे साले. Hey, y'all, come look at this. मैं क्यूट तो नहीं हूँ, मगर कभी कभी ऐसी सेल्फी आ जाती है, दिल करता है खुद को ही प्रपोज कर दो. पहली बात तो तेरी लिपसिंग बहुत गलत है. कभी कभी ऐसी वीडियो सामने आ जाती है कि मन करता है अपना फोन ही तोड़ दो. यार, थोड़ी तो इज्जत रख लो अपनी. भाई, मैं एक लड़की से बात कर रहा था, उसने मुझे बोला चला जा जानवर. हम जानवर का संधि विच्छेद करे तो हमें मिलता है जान और वर. तो वर का मतलब होता है हस्बैंड, तो वो कहना चाहती है मेरी जान आप मेरे हस्बैंड हो. भाई, टेक इट वेरी पॉजिटिवली. यस सर. ये वो सागर है जिसमें विद्या की एक बूंद नहीं है. सर, आपने मेरी नहीं ली अटेंडेंस. तुमने ऑफिस में नहीं दी फीस. जाओ देखिए. मुझे साजन के घर जाना है. मुझे अपने घर जाना है. वालेकुम गाइस, मैं हूँ मुंबई एयरपोर्ट. आप सबको पता है मैं पंजाब से आ रहा हूँ, और आज मैं कैसा लग रहा हूँ ये मेरा एयरपोर्ट लुक है. टुंग टुंग बजे, टुंग टुंग बजे. शट अप यार. अगर आज दनिश जहन जिंदा होते तो क्या उनकी कंडीशन होती? क्या वाकई में कयामत आ जाती? क्या क्या बोलते ना, अगर दानिश भाई अगर जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता. मतलब वो अलग ही लेवल बंदा था. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया भाई. बंदों क्या वापस ले आए हो यार, इंसान मतलब उसके रूह तक को शांत नहीं होने दे रहे ये लोग.
ये ले घास। क्यों? क्योंकि तेरी फूल देने वाली हरकतें हैं नहीं। तुम दे भी नहीं सकते। अरे लास्टी। हाँ बोल, बुलाया था तूने? मैंने सुना तू गांव जाने वाला है। हाँ रे क्यों? प्लीज मेरे वहाँ से आम लेकर आएगा क्या? तुझे आम की क्या जरूरत? मैं गिरा होया बंदा जमा तो मेरी तरफ से। अरे बारिश हो रही है, चलो यार निकलते। चलो अब बारिश हो रही तो क्या निकलते, इससे तो दिशा रोती है। ए भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, उसको बुरा लगेगा? अरे उसको तेको बुरा लगता है? अरे नहीं लगता उसको बुरा यार, उसको क्या बुरा लगेगा? अरे अपनी आई एम सॉरी, वो मैं अपने दोस्तों के सामने बहुत ज्यादा कूल बनने का प्रिटेंड कर रहा था तो मेरे मुंह से बहुत सारी चीजें निकल गई। तुझे चाहिए तो मैं तेरे पैर भी पकड़ लेता हूँ। पकड़ लेता हूँ पैर। हाँ तो पकड़ना, मेरा ऐसे कोई इंटेंशन नहीं था वैसे तो। क्या हो गया, ईगो हर्ट हो गया? आजादी की दावत। आप बच्चों का पेट भरने के लिए क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा, बच्चे खाना खाएंगे अपने आप पेट भरेगा। बात सही है। अरे मेरे भाई, आप अपने बच्चों का पेट भरने के लिए क्या करेंगे? मैं अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, हाँ पहले तो बच्चे करूंगा। अरे भाई, अरे वो बच्चे होंगे उसके बाद क्या करेगा? ये बताओ, आप अपनी बीवी से ज्यादा प्यार करोगे या फिर बच्चों से? बीवी से करूंगा। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी रही तो प्रोडक्ट तो दोबारा बन जाएगा। इसकी नजर में बीवी की कीमत कंपनी और बच्चे सिर्फ प्रोडक्ट है बस। भाई क्या लोग तुझ में कमियां निकालते हैं? बहुत। इसमें कभी नहीं निकालते लोग, मुझ में तो इतनी कमियां निकाल दिया लोगों ने कि अब बस बची है खूबियां मेरे में। ये सही था यार, ये बहुत मस्त था, ये लास्ट वाला ये बहुत मस्त था। क्या लोगों ने इतनी सारी कमियां निकाल दी है कि बस खूबियां बची है। ठीक है, तो वाकई यार हर इंसान को जिंदगी में अपने आप के लिए इतना पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मैं मेरे शब्दों पे ध्यान देना, पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि ऑब्सेस्ड होना चाहिए। सेल्फ ऑब्सेशन भी बहुत बुरा होता है, सीरियसली यार बहुत बुरा होता है। मैंने कई लोगों को देखा है अपने आप को, मतलब इतना ज्यादा वो अपने आप से ऑब्सेस्ड होते हैं। ओ माई गॉड, ए भगवान, मैं ही मैं हूं, बस मैं ना हूं तो किसी की जिंदगी ना चले, है ना, कोई काम ना कर पाए, कोई जी ना पाए। बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि हाँ भैया मैं हूं तो फलाने पूरी दुनिया है, ठीक है, अगर मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। और ऐसे लोग ना सेल्फ ऑब्सेस्ड तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में मार छूटिया भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना, सेल्फ पॉजिटिविटी अच्छी होती है ऑब्सेशन। ओके, सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।